नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 सितंबर शुक्रवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आने के बाद सरकार ने बंदिशें कम की और राहत देना शुरू किया। धीरे धीरे प्रदेश में बाजार, सिनेमाघर, पर्यटन स्थल, संग्रहालय, मॉल और जिम आदि खोले गए। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी खुल गए, जिससे प्रदेश के 51 लाख विद्यार्थियों का इंतजार भी खत्म हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार भी स्कूलों में ना तो प्रार्थना सभा हुई और ना ही कोई इतर गतिविधियां। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सरकारी और निजी स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए तैयारियां भी की गई। अध्ययन कक्ष सैनिटाइज किए गए। राजस्थान के 6 जिलों भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 3 चरणों में पूरा हो चुका है। अब 4 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर सुबह 9 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। उधर प्रमुख प्रधान का चुनाव 6 सितंबर को, जबकि उप प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर को सम्पन्न होगा। बीजेपी कांग्रेस 4 सितंबर को देखते हुए अलर्ट मोड पर आ गए हैं। इन 6 जिलों की पार्टी उम्मीदवारों की इन 6 जिलों के अलावा दूसरे जिलों में भी बाड़ेबंदी की गई है। टीवी शो केबीसी में शामिल होने वाले कोटा के रेलवे कर्मचारी देशबंधु पांडे को थमाई गई चार्जशीट के संबंध में रेलवे विभाग ने बिंदुवार सफाई देकर स्थिति स्पष्ट की है। इसमें रेलवे ने कहा है कि देशबंधु पांडे ने कई स्तर पर लापरवाहियां की हैं। यहां तक कि उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में शामिल होने के लिए जो अवकाश आवेदन दिया है, उसमें केवल आवश्यक कार्य का उल्लेख किया है। इस स्पष्टीकरण में बताया गया है कि कर्मचारी को पूर्व में भी लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया गया था। रेलवे का कहना है कि कर्मचारी पर पेनल्टी लगाने का समय और केबीसी में उनकी भागीदारी महज एक सह घटना है। राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से प्रदेश के विद्युत गृहों हेतु कोयले की आवक गत दिनों में काफी बड़ी है। फिर भी प्रदेश में विद्युत की मांग को देखते हुए प्रतिदिन 17 कोल रेक की आवश्यकता के स्थान पर कोल इंडिया एवं PKCL से 13 कोल रेक विद्युत गृहों को उपलब्ध हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोल इंडिया द्वारा बुधवार को 4 कोल रेक एवं PKCL द्वारा 9 कोल रेक उपलब्ध करवाए गए एवं कोल इंडिया द्वारा 8 कोल रेक प्रतिदिन आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है। राजस्थान के अजमेर में स्मार्ट सिटी योजना के जरिए स्टेशन रोड स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल परिसर में गुरुवार से 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो शुरू हो गया। 3,22,00,000 की लागत से तैयार इस शो के जरिए पर्यटक दर्शक 25 मिनट में अजमेर को समझ सकेंगे। मैपिंग शो के शुभारंभ अवसर पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि इसके जरिए अजमेर के इतिहास से लेकर वर्तमान होते हुए भविष्य की सैर कराने में ये शो सक्षम रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से दर्शकों को नई प्रेरणा मिलेगी। सरकार और विभाग की उदासीनता के चलते प्रतापगढ़ जिले के क्रय विक्रय सहकारी समिति में गत 4 वर्ष 338 क्विंटल चीनी सड़ गई है। हालात ये हैं कि चीनी की जगह अब चाशनी भी बन गई है, वहीं गोदाम भी खराब होने लगे हैं। ये चीनी अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े परिवारों को बांटनी थी, लेकिन अनदेखी के चलते ये खराब हो गई है, जबकि इस चीनी को जिला कलेक्टर की गठित टीम ने अनुपयोगी बताया था। इसके बाद भी चीनी को यहाँ से ना तो हटाया गया और ना ही इसका निस्तारण किया गया। ऐसे में गोदाम खराब होने लगा है। राजस्थान में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राज्य कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट की गई राशि बिना किसी मंजूरी की प्रतीक्षा किए सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित सीमा तक सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकेगी। देश में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी राजस्थान में हैं, लेकिन प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ नैक पर गंभीर नहीं हैं। राजस्थान की सरकारी और निजी मिलाकर 89 यूनिवर्सिटीज़ में से सिर्फ 17 के पास ही नैक ग्रेडिंग है। इधर 29 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में से 2 यूनिवर्सिटी के पास B++ और B ग्रेड बची है। A ग्रेड किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी नैक एक्रेडिटेशन मार्च में ख़त्म हो चुका है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिवेन्यू बोर्ड अजमेर रिश्वत प्रकरण में 2 और लोगों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। ब्यूरो के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि इस प्रकरण में कालू लाल जैन व हितेश जैन को गिरफ्तार किया गया है, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। RSS पदाधिकारी निम्बाराम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह किया है। अर्जी में कहा गया है कि राजनीतिक कारणों से उनका नाम मामले में घसीटा जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में दर्ज प्राथमिकी में निम्बाराम का भी नाम है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश को 2025 से पूर्व टीबी मुक्त बनाने का नया लक्ष्य तय है। प्रदेश में टीबी रोगियों के चिन्हीकरण के लिए वर्ष 2017 से ही एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चल रहा है। 2021 में अब तक 96,823 टीबी के मामले निक्षय पोर्टल पर अधिसूचित किए गए हैं, जबकि 2020 में 1,37,000 केसेस अधिसूचित किए गए थे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गुरुवार को जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान परिसर का दौरा किया। मंत्री सोनोवाल ने आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत समारोह में आयुष सप्ताह का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद ने कहा कि आयुर्वेद को बढ़ाना है तो युवाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आयुर्वेद औषधियों का उपयोग बताना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।